आज हम पढ़ेंगे NIOS क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश से लेसन नंबर 7 रीडिंग विद अंडरस्टैंड, जो कि पैसेज है ये दो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि एग्ज़ाम्स टाइम पे, परीक्षा के समय पे विद्यार्थी बच्चे बहुत से टेंशन में आ जाते हैं, बहुत से दबाव में आ जाते हैं, बहुत सी चिंता में आ जाते हैं, और इस चिंता में आने के कारण वह बहुत सी चीज़ों में उनको समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसी के बारे में ये पूरी चीज़ें बता रही की है इसमें कि किस तरह से वह इस चीज़ों में आते हैं, क्यों आते हैं, और इससे बचने के क्या क्या उनके एक तरह से उनके लिए रास्ते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सेक्शन 1 पढ़ेंगे, बिफोर एग्जामिनेशन से लेकर के सीक मेडिकल हेल्प इमिजिएटली, यहाँ तक का पूरा। तो इसमें दिखाया गया, बताया गया है कि परीक्षाओं से पहले बहुत से स्टूडेंट एक भयानक तनाव में आ जाते हैं, बहुत बड़े एक तनाव में, एक टेंशन वाले उसमें आ जाते हैं। बट सिर्फ ये उन्हीं के साथ नहीं है, इसके साथ साथ इनके टीचर भी और इनके माता पिता को भी यह सेम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। अर्थात वो भी, माता पिता और इनके अध्यापक लोग भी इसी उस तनाव में आ जाते हैं। बट अब समझने वाली बात यह है कि लोग चिंता में क्यों आते हैं, इस तरह की चिंता क्यों हो जाती है बच्चों को। तो जो नौजवान बच्चे होते हैं, टीनेजर कह लीजिए, उनको क्या होता है कि अपना एक जो समाज में रह रहे हैं उसकी जो एक समाज की जो मांगे हैं, जो उनसे हर कोई एक चीज़ की उम्मीद करता है कि ये इतने नंबर लाएगा, ये इस तरह की इसकी परफॉर्मेंस होगी, इस तरह की इसकी ग्राफ होगा एजुकेशन का, या इसकी सक्सेस का ग्राफ होगा, हर किसी की एक बच्चे से उम्मीद होती है। उसी उम्मीद को उसके जहन में एक डर पैदा कर देती है और वह अपने आप को उन चीज़ों में बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है कि क्या वो इतने नंबर ला पाएगा, और अगर वो फेल हो गया तो उस पर क्या बीतेगा। एक तरह का बच्चे के दिमाग पर काफ़ी गहरा असर पड़ जाता है और इसी कारण से वह काफ़ी चिंतित, डिप्रेशन और एक हताश की उसमें उसके माहौल में घुस जाता है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जो ये मांगे होती हैं, जो बच्चे के रियलिस्टिक लाइफ में वो उसके कैपेबल है नहीं है, बट एक माहौल जो हमारी सोसाइटी एक स्टैटिक माहौल बन चुका है, जिसमें एक दृढ़ माहौल बन चुका है, जहाँ पर बच्चे से काफ़ी उम्मीद और आशाएं लगाई दी जाती हैं, जो बच्चे के दिमाग में भी एक कहीं घर कर जाती हैं, और एग्ज़ाम और परीक्षा के समय पे उसको एक तनाव का माहौल उसके अंदर पैदा हो जाता है। वहीं साथ साथ कुछ तनाव के कारणों में यह भी है कि बच्चे अपनी पहचान और अपने भविष्य से लेकर काफ़ी संबंधित चिंताओं को पाल लेते हैं। यद्यपि अगर वो किसी परीक्षा में कुछ परिणाम में उनको प्रॉब्लम हो जाए या उनका परीक्षा परिणाम गलत हो जाए, तो वह अपनी भविष्य में अपने किस तरह से अपनी पहचान स्थापित कर पाएंगे, अपने को एक बेहतर भविष्य किस प्रकार दे पाएंगे। तो यह भी एक चिंता का काफ़ी बहुत बड़ा कारण बनता है कि बच्चे अपने भविष्य को लेकर भी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। अधिकांश ये देखा गया है कि जो एक चिंता है, एक टेंशन है, जिसे हम स्ट्रेस बोल रहे हैं या एंग्जाइटी बोल रहे हैं, ये एक नॉर्मल लेवल पे तो आपका लाइफ के लिए बेटर है। चिंता हर किसी के अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल ही जिस आदमी के अंदर चिंता नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। बट एक थोड़े लेवल पे तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, आपको मोटिवेट करेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी चीज़ें, थोड़ी बहुत आपको अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग टेंशन है तो। बट अगर ये लेवल आगे बढ़ गया टेंशन का, तो ये आपको बहुत बड़ा एक तरह से दुर्बल बना देगा मानसिक स्तर पे, और आप ज़्यादा चिंतित या डिप्रेशन में माहौल में चले जाते हैं। जो अब बोला जाए, हम कहें चिंता या एंग्जाइटी, ये जो है ये एक तरह से संक्रमण के रोग की तरह है, जो एक से दूसरे पे पास होता है या फैलता है, बच्चों से टीचर, टीचर से पेरेंट, मतलब इन सब में ये एक तरह से संक्रमित फैला हुआ होता है। और नौजवान जब होते हैं, जो टीनेजर हैं या जिनके एग्ज़ाम्स हैं, जो जिन पे ये डिप्रेशन का माहौल है, वह हर चीज़ को एक इमरजेंसी, एक व्याकुल तौर, एक जल्दबाजी के उसमें लेते हैं कि नहीं बस यही चीज़ है जो कुछ है लाइफ में, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो हर चीज़ को एक इमरजेंसी के तौर पे लेंगे, जो भी उनके सामने टास्क आया है वो उसको एक इमरजेंसी मोड में लेंगे कि नहीं नहीं ये वाकई बहुत अर्जेंट है, यही सब कुछ है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो इसी तरह का जो है ये इनके ऊपर एक दबाव बनता रहता है, और इसी से इनको काफ़ी टेंशन का, स्ट्रेस और लेवल का बढ़ जाता है इनके सामने में। और इसमें बहुत से जो एक देखा जाए तो, जो हमने पहले ही बताया, माँ बाप की डिमांड, टीचर्स की डिमांड, उनकी एक्सपेक्टेशन,
उसी का जो एक ग्राफ बना हुआ होता है टीचर्स और माँ बाप की नज़र में, बट बच्चे का जो रियल कैपेबिलिटी है वो उस पर मैच नहीं खा पाता है, तो वही टेंशन बच्चे के दिमाग में होकर उसको एंग्जाइटी और इस तरह के माहौल में डाल देता है। अधिकांश ये बात भी सामने आई है कि बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ इस विषय में अपनी बातचीत नहीं कर पाते हैं वह ज़्यादा डिप्रेशन या इस चिंता वाले माहौल में ज़्यादा खो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि जो एक अच्छा स्मरण शक्ति है, अच्छी याददाश्त जो है, यह निर्भर करती है एक स्वस्थ दिमाग पे, जो कि एक खुश दिमाग हो, आपका अच्छा दिमाग हो, अच्छा ब्रेन, अ गुड ब्रेन पे। और जो आपका ब्रेन है, जो आपका दिमाग है, यह किस चीज़ पे निर्भर करता है? ये कुछ चीज़ों पे निर्भर करता है, जैसे कि एक अच्छी मात्रा में आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति हो, ग्लूकोज की प्राप्ति हो, कैल्शियम की प्राप्ति हो, फॉस्फोरस की प्राप्ति हो, आयरन की प्राप्ति हो, एक गुड डाइट की प्राप्ति हो, अर्थात यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो कुछ बातों में बताया जा रहा है कि आप जब भी पढ़ाई करें तो इस बात का आप एक मुख्य रूप से ध्यान दें कि आप जहाँ भी पढ़ाई करें वह एक हवादार माहौल हो, आप एक बंद घुटन वाले माहौल में ना पढ़ें। दूसरी बात आगे बढ़ता है डाइट में, आपके आहार में, आपके भोजन में आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता है कि आप इनको ज़रूर अपने आहार में रखें, जैसे कि दूध हो गया, पनीर हो गया, अखरोट खाएं, गेहूं से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं और रागी का खाएं। एक आटा जैसा गेहूं का होता है वैसे एक रागी होता है, कई जगह वैसे मंडुआ भी कहा जाता है, उसका सेवन करें आप, खजूर खाएं। और एक बात कभी ना भूलें कि जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं वो हमारा एक तरह से बोला जाए तो ब्रेन फूड है, मतलब दिमाग का खाना है वो। जो हम नाश्ते का खाते हैं सबेरे वो आपका अति आवश्यक है आपके दिमाग के लिए। उसमें आप फैटी मील्स, मतलब जो चीज़ आपको बादीपन करें, मोटापन करें, उन चीज़ों का सेवन ना करें, ज़्यादा मीठी चीज़ों का सेवन ना करें, एसिड वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन ना करें, जिसमें आप समझते हैं आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो सब पीते हैं इन सब चीज़ों का वो ना करें सेवन, क्योंकि ये हमारे शरीर से कैल्शियम की मात्रा को कम कर देते हैं और वो हमारे लिए बहुत गलत है। तो इन चीज़ों का सेवन ना करें, अच्छी चीज़ों का सेवन करें, आहार में उन चीज़ों का सेवन करें जो फाइबर में ज़्यादा गुणवान है और जिसमें आपके फल और सब्जियां आती हैं जो कि फाइबर में रिच हैं, साथ साथ ये आपके तनाव को भी कम करने में एक बहुत बड़ा योगदान अदा करती हैं। एक अच्छी एकाग्रता, गुड कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी आवश्यक है हमारे दिमाग के लिए। पढ़ना और याद रखना ये बहुत बढ़िया चीज़ है, हमको पढ़ के याद करना और उसको एक लॉजिकल सेंस में समझना। अभी जैसे हम ये लेसन पढ़ रहे हैं इसको अगर हम रटेंगे तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर नहीं है और ये है ही नहीं बेटर, बट अगर आप इसे समझ के सुन लें और समझ लें लॉजिकल वे में, अपने रियल लाइफ से इसे जोड़ के देखें, तो आपके लिए कोई बड़ी टास्क ही नहीं है ये समझना। और इसको समझ के आप इसको अपने शब्दों में जब आप इसके आंसर लिखें एग्ज़ाम्स में तो वो ज़्यादा मैटर करता है, बजाय उसके कि आप किताबी लैंग्वेज को वहाँ कॉपी पेस्ट करके आएँ। तो ये मास्टरी आपकी उसी में है कि आप इसे अपने क्वांटम, अपने नॉलेज के हिसाब से आप किस तरह से इसको लिखते हैं वो ज़्यादा डिपेंड करता है, इम्पॉर्टेंट। इसीलिए इसमें ये बताया गया है एंग्जाइटी, चिंता और डर जो बाधा होती है, जो हम एक बच्चे के अंदर जो एक चिंता का भाव पैदा होता है जिससे उसको डर भी लगता है, और ये चीज़ें क्या करती हैं उसके दिमाग में एक मानसिक रोग पैदा कर देती हैं और एक बाधा, एक रुकावट पैदा करती हैं दिमाग पे, और ये एग्ज़ाम्स के टाइम पे काफ़ी घातक होता है। जिस बच्चे के अंदर चिंता और डर और इस तरह की भावना उत्पन्न हो गई, ये सब चीज़ें उसके दिमागी स्तर पे एक तरह की रोग पैदा कर देती है, ठीक है। तो परीक्षाओं के समय पे ये काफ़ी गलत चीज़ है, इस तरह का किसी को एक तरह का विचार नहीं लाना चाहिए। आगे यह बात बताई गई है कि ज़्यादा समय तक टीवी देखना एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि इससे आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, मतलब एजुकेशनल जो परफॉर्मेंस है, जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसका जो आपका एक परफॉर्मेंस है वो गिरेगा, क्योंकि ये टीवी देखने वाला समय आपका वाला समय चुरा लेगा जो समय आपने अपनी पढ़ाई के लिए था आपका। तो इस समय पर यह बोला जाता है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन, अपने लिए अनुशासन, कुछ नियम कानून बनाने हैं, वो अति आवश्यक है अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना है। और ये सारा निर्भर करता है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है दो चीज़ों में, मींस
टू पार्ट्स में आप अपने टाइम को, एक दिन के 24 घंटों को आपने दो पार्ट में डिवाइड करना है, जहां पर आप एक पार्ट को बोलेंगे फील्ड टाइम, जिसमें आपका सोने का टाइम जो कि 7-7 घंटे का होता है वो आ जाएगा, नहाने का टाइम, कपड़े पहनने का टाइम, खाने का टाइम, स्कूल जाने का टाइम, ये सब टाइम आ जाएंगे आपके उसमें, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके 10 घंटे बचते हैं, जो खाली टाइम है, 10 घंटे जो बचे हैं, स्कूल जाना, सोना, खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े प्रेस करना, इन सब टाइम को छोड़ करके एक दिन में एक बच्चे के पास 10 घंटे बचते हैं, तो उस 10 घंटे का ही उसको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो वो किस तरह से उसको मैनेज करता है, वो उसकी पूरी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और वो पूरा उसका सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, खुद के लिए कुछ नियम कानून जैसे पहले बताया गया, तो उस पर रखना है। और साथ ही साथ आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग की अति आवश्यक है, सकारात्मक अच्छी सोच रखिए, ये ना सोचें कि गलत होगा, सब अच्छा होगा, हर चीज़ में आप एक सकारात्मक सोच रखें, इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आपको एक अच्छा परिणाम, एक अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। साथ साथ ये बताया गया इसमें कि अगर एक बच्चे को इस तरह की डिप्रेशन, अवसाद, जो भी आप कहें, चिंता कह लें या टेंशन कह लें, अगर इस तरह का उदासीन माहौल में या निराश है एक बच्चा कोई, तो उसे शीघ्र अतिशीघ्र एक मेडिकल कंसल्टेंट या डॉक्टर को परामर्श लेना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए, क्योंकि यह समस्या आगे जाकर उसके लिए बड़ी घातक बन सकती है, जो उसके भविष्य के लिए बहुत गलत होगी। तो यहाँ पर ये हमने सेक्शन 1 तो कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम पार्ट 2 सेक्शन 2 की तरफ पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, अभी तक हमने सेक्शन 1 में यह पढ़ा कि एक बच्चे को चिंता करने के लिए किस किस तरह से स्ट्रेस उसके पास आता है, ठीक है। अब हम यह पढ़ेंगे कि इसको किस तरह से स्ट्रेस को ये दूर कर सकता है, इस बारे में उन्होंने बेसिक इसको ABCD 4 उसमें दिखा रखा है हमको। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि टू अवॉइड और रिड्यूस स्ट्रेस से लेकर के यहाँ पर ये स्टिल टू बी डन, यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको स्ट्रेस दूर करना है, तो वही बात दोबारा कह रहे हैं कि आपको अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करना होगा। आपको एक टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्या काम करना है आपको, एक ऐसी लिस्ट बनाइए कि टू डू, उस हेडिंग के अंदर आपने ये लिखना है कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। और जो इसके अंदर आप टास्क रखेंगे, उन टास्कों को, मतलब जो काम आपको करने हैं, उन कामों को आप जो लिखेंगे, वो हमेशा एक जैसे ना हो कि आपने एक पत्थर की लकीर खींच दी कि रोज़ इसी नियम कानून से चलना, नहीं, उसमें आप थोड़ा फेरबदल करें समय के साथ, वो भी अति आवश्यक है। तो इसमें यही चीज़ कहा गया है कि टू डू उसमें आपने उसमें तीन कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दें, पहले में इम्पॉर्टेंट रखें, दूसरे में लेस इम्पॉर्टेंट, और तीसरी में रूटीन वर्क, और इनमें आप थोड़ा बहुत हेर फेर भी कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े प्रेस करना, अखबार पढ़ना, या इसी तरह की चीज़ों को आप इसमें अपना इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपका एक तरह से तीनों टास्क भी हो रहे हैं और आपको थोड़े एक माइंड मेंटली रिलैक्सेशन का माहौल भी मिल रहा है, ठीक है। तो टू डू का वो दिखाया गया, और इससे आपको एक उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है कि इस तरह से आप इस डिप्रेशन से निकल सकते हैं, कि टू डू का लिस्ट बना के इसे तीन पार्ट में डिवाइड करके ABC, और उसको आप थोड़ा सा इंटरचेंज, कभी इधर से उधर, इस काम को उस टास्क में, उसको उसमें करके, आप अपने तीनों टास्क काम आप तीनों कर रहे हैं, बट थोड़े से उसमें हेर फेर कर सकते हैं, ठीक है। और हर काम के लिए, आपके जो भी काम हैं, जो आपने टास्क बनाए, उन सब के लिए एक टाइम दो कि मैंने इस काम को इतने टाइम में करना है, रियलिस्टिक टाइम, ऐसे नहीं कि फिक्टिशियस टाइम, काल्पनिक टाइम दे दिया कि मुझे एक घंटे में सारी किताब कंप्लीट करनी है, नहीं, एक हर चीज़ के लिए एक टाइम दीजिए आप, एक कि मुझे इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करना है, रियलिस्टिक टाइम, जिसमें वाकई में वो काम हो सकता है। फिर आप उसको एक डायरी में नोट करिए कि आपने वाकई में उस काम को इतने टाइम में करा है, नहीं करा है, करा है, उस चीज़ को आप अपने डायरी में मेंटेन करिए, तो ये भी आपको काफ़ी मदद करेगा। बी में दिखाता है एक्सरसाइज बेनिफिशियल, यहाँ से लेकर के योर फिंगर्स तक, तो यहाँ पर बोलता है कि एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर हम चिंता को दूर करना चाहते हैं और अपनी एक अच्छी नींद लेना चाहते हैं। एक्सरसाइज जो होती है, एक व्यायाम, एक बहुत बड़ा हमारे लिए अच्छा चीज़ है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो कि हमारी चिंता को दूर करेगा और हमें एक अच्छी नींद प्रदान करेगा। अगर आपने एक अच्छी एक्सरसाइज की आदत डाल ली, जिसमें कि बोला गया है कि आप वॉक करें, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, एरोबिक्स करें, कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज करें, इससे क्या है, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और आपको एक अच्छी वो मिलेगी, दिनचर्या के साथ साथ आपका एक अच्छा दिमाग बनेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप फील भी अच्छा करेंगे। और जहाँ तक हो सके तो आप एक चहलकदमी वॉक की सोचें या
साइकिलिंग करने की सोचा, छोटे छोटे डिस्टेंसों की। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि इसमें आप सैर सपाटा या ट्रैवलिंग भी बहुत फ़र्क रहे, वो आपके लिए एक लाभदायक चीज़ रहेगी। ट्रैवलिंग कीजिए, ट्रैवलिंग करने के लिए जैसे इन्होंने कहा है कि आप जैसे बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी आप दो चार एक्सरसाइजें कर सकते हैं कि जो आपके रिस्ट के ऊपर, मीन्स जहाँ पर आप बस में हैं उसके ऊपर एक रॉड होगा, उसको आप पकड़ के, उसकी ग्रिप पकड़ के अपने हाथ को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जिससे आपके हाथ की एक ग्रिप और कलाई भी काफ़ी टाइट होगी। एवं साथ साथ दूसरी भी कहा है कि कभी कभी आप क्या कर सकते हैं कि उस रॉड के ऊपर अपनी उंगलियों को रखकर और उंगलियों को प्रेस करें, पूरी दबाएं उंगलियों को और पीछे तक मोड़ें, जिससे क्या है आपकी उंगलियों का लचीलापन भी बढ़ेगा और इसे आप एक एक्सरसाइज के तौर पर भी उन्होंने कहा है, और इसको 5 से 10 बार आप रिपीट करिए तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। सी में क्या कहा गया है, हॉबीज़ हेल्प से लेकर के मूड इन्हेंसर्स तक। हॉबीज़ शौक हर आदमी के लिए एक स्ट्रेस दूर करने का, एक टेंशन दूर करने का, चिंता दूर करने का एक बहुत अच्छा एक विकल्प होता है। अगर आप शौक पाल लेते हैं तो यह आपके लिए, आपके साथ साथ आपके दिमाग को तरोताज़ा करके आपको एक अच्छी नींद प्रदान करने का भी एक मौका देता है, अगर आपके अंदर कोई शौक पाल रखा है। क्योंकि ऐसा है कि हर आदमी की लाइफ में कुछ टेंशन्स होती हैं, ठीक है, हर कोई जो काम कर रहा है वो उससे खुश नहीं है, ना उससे प्रसन्नता पाता है। आज हर कोई कोई भी टास्क कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप स्कूल जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ आपको एक तरह से फुल्ली सेटिस्फेक्शन या आपको एक प्लेजर नहीं दे रहा है, प्रसन्नता नहीं दे रहा है। तो आप अपनी थोड़ी बहुत हॉबी पालें, आप खुद को समझें कि आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या आपके शौक है छोटे मोटे, आप उनको कीजिए और उसमें अपना थोड़ा सा रुझाव लगाइए। इससे क्या है आप अच्छा ही फील करेंगे और आपका मूड भी अच्छा होगा और आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। पार्ट डी में जाते हैं इसके, इन ऑर्डर टू रिमेन काम एंड पीस से लेकर अबाउट योर प्रॉब्लम, अपनी मन स्थिति को शांत और स्थिर रखने के लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। मतलब अपने आप को आपने एक तरह से समझाना है कि आपने पॉजिटिव ही थिंक लानी है, अच्छी चीज़ों को सोचना है, गलत चीज़ों का विचार अपने दिमाग में नहीं लाना है। यही आपको अपने आप को एक तरह से ट्रेन करना है इस चीज़ के लिए कि नहीं, नेगेटिव थिंकिंग में लाऊंगा ही नहीं, अच्छी चीज़ लाऊंगा। एक तरह से बता रहे हैं कि हर साल बहुत से बच्चे जो होते हैं वो इस चीज़ का सामना नहीं कर पाते हैं कि जैसे कभी उनके साथ कुछ गलत हो गया, वो इस चीज़ का सामना नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, और इसी निराशा को वो झेल नहीं पाते हैं, ना देख पाते हैं, तो वो एक घातक चीज़ को अपना लेते हैं जो कि सुसाइड बोल दे जाए या आत्महत्या ले जाए, जो कि वाकई में एक नेगेटिव स्टेप होता है और यही दर्शाता है कि इनके दिमाग में एक नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि उन्होंने उस परीक्षा के परिणाम को अपने जीवन से इस तरह जोड़ दिया है कि यही सारी ज़िंदगी है, अगर इस रिज़ल्ट में कुछ नहीं तो लाइफ ख़त्म, लाइफ डेड एंड। जबकि ऐसा नहीं है, किसी भी एक एग्ज़ाम को आप ये नहीं कह सकते कि आपकी लाइफ बताता है, ये लाइफ इस पर निर्भर कर रही है, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सक्सेस और फेलियर या आपका परमानेंट नहीं है, हर चीज़ टेम्प्ररी है, ठीक है। तो यही चीज़ में बताई जा रही है, साथ में आगे एग्जांपल दे रहे हैं कि बहुत से विद्वान लोग हैं, बहुत से जीनियस हैं, जैसे कि आपके रामानुजम हैं और इंस्टन हैं। रामानुजम कौन थे, एक गणित के बहुत बड़े विद्वान थे जिनका एक गणित विषय के और इस क्षेत्र में इनका काफ़ी बड़ा नाम है। साथ ही साथ इंस्टन हैं जिनको फिजिक्स का एक विज्ञानी या ज्ञानी भी कहा जाता है, ये भी अपने समय के बहुत बड़े फेलियर्स रह करते थे और बहुत से एग्जाम से फेलियर होते। तो वही चीज़ बताई गई है कि फेलियर कभी भी एक फाइनल चीज़ नहीं है, इससे मत घबराइए और हमेशा पॉजिटिव रखिए अपने आप को और अपने दिमाग को, और अपनी चिंताओं के बारे, अपनी समस्याओं के बारे में दूसरों से उसको शेयर कीजिए, बांटिए बातों को। तो बेसिकली इसमें इतना ही था, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार इसको दोबारा रीड कर लीजिएगा, ठीक है, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू।